हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सारे। चलो आज एक और क्वेश्चन देखते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर का विद प्रोराटा पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले, अ कंपनी इशोड 40,000 इक्विटी शेयर्स, 10 रुपीज़ ईच, 2 रुपये का प्रीमियम, यानी 12 रुपये का शेयर। ठीक है, 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 5 रुपये अलॉटमेंट पे, जिसमें कि आपका प्रीमियम भी है, 2 रुपये पर शेयर फर्स्ट कॉल है और 3 रुपये पर शेयर पहला कॉल है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 60,000 एप्लीकेशन आई है इनके पास, ठीक है, और इन्होंने जो है 48,000 को अलाउड किए हैं, 40,000 शेयर्स जो थे जो है इशू किए थे, और बाकी सबको जो है रिजेक्टेड कर दिया, रिमेनिंग को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, पहले यहाँ तक की एंट्री देखेंगे, एप्लीकेशन की एंट्री, फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को। आओ देखें जरा, तो जो पहली एंट्री आएगी वो आएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन, एंट्री आएगी आपकी 60,000 की, क्योंकि 60,000 एप्लीकेशन आई है, 2 रुपये के हिसाब से 1,20,000 टोटल जो है पैसे आए हैं, रुपये आए हैं। चलो आगे देखें। अब उसने कहा कि इसमें से 48,000 इसे रिजेक्ट किए हैं, एक बार ज़रा नज़र डाल लें कैसे प्रोडक्ट हुआ है। 60,000 एप्लीकेशन आई थी हमारे पास, जिसमें से 48,000 को इन्होंने शेयर अलॉट किए हैं, 40,000 शेयर इशू किए थे, तो 40,000 अलॉट किए हैं, मतलब 8,000 का जो है प्रोराटा होना है। ठीक है, और 12,000 जो बाकी एप्लीकेशन बची हैं 60,000 में से, वो रिजेक्ट होनी है। आओ देखें जरा एंट्री कैसे डलेगी, दूसरी एंट्री में इसका इफेक्ट आएगा आपको पता ही है। चलो देखें जरा, शेयर एप्लीकेशन डेबिट 1,20,000 टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट जाता है, शेयर कैपिटल में वो अमाउंट जाता है जो हमने एक्चुअल में इशू की थी, तो 40,000 इंटू 2,80,000 हमने जो है एक्चुअल बनते थे हमारे जो हमने शेयर कैपिटल में डालने, फिर टू बैंक जो हमने रिजेक्ट कर दी, रिजेक्ट हमने कितनी करी है, 12,000 हमने रिजेक्ट करी है, तो रिजेक्ट की एंट्री आएगी टू बैंक 12,000 इंटू 2 यानी 24,000, और लास्ट में जो प्रोडक्ट किया है जो कि अलॉटमेंट में जाके ट्रांसफ़र हो जाएगा वो है 8,000 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से 16,000। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होता है कि ये जो 2 रुपये है एप्लीकेशन के पैसे, वो तो कई बार यहाँ पे अलॉटमेंट के डाल लेते हैं, जिससे कि एंट्री पूरी की पूरी गड़बड़ कर जाती है। ठीक है, तो ज़रा याद रखना कि हमने जो है एप्लीकेशन के पैसे अलॉटमेंट में एडजस्ट करने हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारी एंट्री। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा है आगे, क्वेश्चन कहता है कि भाई एक श्रीवाई हैं जिनका 1,600 शेयर अलॉट किए थे, अब इसको अलॉट किया 1,600 शेयर, हमें नहीं पता सी अपने कितनी आई थी। ठीक है, उसने अलॉटमेंट के पैसे ही नहीं दिए, उसने कौन से पैसे नहीं दिए, अलॉटमेंट के। अब अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए मतलब कि कुछ तो एडजस्टमेंट हुई होगी उसकी, क्योंकि हमें पता है कि हमने ज़्यादा एप्लीकेशन पे कम शेयर अलॉट कर रखे हैं, तो ये हमें पहले इसकी तो पहले निकालनी पड़ेगी सबसे पहले कि इसने हमें अप्लाई कितने किए कि हमने इसको 1,600 अलॉट कर दिए। ठीक है, फिर हमें पता चल जाएगा कि इसके कितने पैसे एडजस्ट हुए थे और कितने हमें अलॉटमेंट में नहीं आए। आओ देखें जरा, इसके लिए बनता है एक वर्किंग नोट। वर्किंग नोट कुछ इस तरीके से बनेगा, पहले हम लोग देखेंगे भाई लोगों ने कितने अप्लाई किए थे, 48,000। ठीक है, और हमने दिए कितने थे उनको, 40,000, तो कितने पर हमने 1,600 शेयर दिए होंगे, कितने अप्लाई करने पे, यानी हमने क्या रेशो बनाया, हमने अप्लाइड इज टू अलॉटेड इक्वल टू अप्लाइड इज टू अलॉटेड का एक रेशो बनाया। ठीक है, ऐसा बना लो आराम से निकल आएगा। अब इज टू का मतलब क्या, मतलब रेशो, रेशो मतलब क्या होता है, डिवाइड, तो 48,000 डिवाइड बाई 40,000 इक्वल टू एक्स अपॉन में 1,600। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 48,000 इंटू में 1,600 अपॉन में 40,000। ठीक है, 1,2,1,2,1,2,1,2, 4,4,16, तो ये आ गया एक्स, आ गया आपका 1,920 एप्लीकेशन, यानी 1,920 शेयर्स की एप्लीकेशन हमें मिली थी, यानी इसने कितने एक्स्ट्रा पैसे दे रखे हैं, इसने हमें 320 एप्लीकेशन पर एक्स्ट्रा रुपये दे रखे हैं। तो लिखेंगे कैसे इस वर्किंग नोट में, हम लोग लिखेंगे एप्लीकेशन रिसीव्ड
920 इंटू 2 के हिसाब से ये आ गया 3840। इतने रुपए। अब एक्चुअल एप्लीकेशन कितनी थी वो लिखेंगे, एक्चुअल एप्लीकेशन थी 1600 इंटू 2, जो इसकी बनती थी असल में देने के लिए एप्लीकेशन के पैसे, तो यानी कितने 3200। तो हमने इसके जो पैसे थे वो हमने कितने एडजस्ट किए होंगे अलॉटमेंट में, आपको पता है हम लोग अलॉटमेंट में डालते हैं पैसे, अलॉटमेंट में हमने पैसे डाले थे 16,000, तो इस 16,000 में से इस बंदे के कितने पैसे थे, 640 थे। ठीक है, एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट। अब हम लोग इसके अलॉटमेंट का ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे इसके जितने भी अलॉटमेंट ड्यू करेंगे किस पे करेंगे, जितने हमने इसको अलॉट किए थे, कितने रुपए के हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब से, तो कितने हो गए टोटल 8,000। अब हमें पास पहले से एडजस्टेड है, ऑलरेडी एडजस्टेड अलॉटमेंट है पड़ी हुई है इसकी, वो कितनी पड़ी हुई है, 640। मतलब इसने हमें कितने नहीं दिए, इसने हमें नहीं दिए 7360, हमें इसने नहीं दिए। ठीक है, अब इसका इफेक्ट आएगा अलॉटमेंट की एंट्री पर, इसने हमें 7360 अलॉटमेंट डिड नॉट रिसीव हो गई, अलॉटमेंट डिड नॉट रिसीव द। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखें जरा अलॉटमेंट की एंट्री क्या आती है। अलॉटमेंट की आती है एंट्री, पहले ड्यू बनाते हैं, शेयर अलॉटमेंट डेबिट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जैसे कि आपको पता है इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितने किए हैं अलॉटमेंट, 40,000 शेयर पे ड्यू करेंगे, 2 3 रुपये ये हैं और 2 रुपये आपके प्रीमियम के हैं, तो टोटल हो गए ये आपके 1,20,000, 80,000। तो हम लोग टोटल रुपये जो मंगाएंगे लोगों से वो 2 लाख मंगाएंगे। ठीक है, लेकिन जब हम लोग रिसीव करेंगे तो जो लोग पहले से ऑलरेडी एक्स्ट्रा दे चुके हैं वो तो नहीं देंगे ना, तो वो पैसे नहीं देंगे, और एक वो बंदा जिसने अलॉटमेंट ही नहीं दी, तो उन दोनों के पैसे हम लोग घटा देंगे। कितने, 2 लाख में से एक तो एडजस्टमेंट हुई थी, ये एडजस्टमेंट कितनी की हुई थी, ये एडजस्टमेंट हुई थी आपकी 16,000 रुपये की, एक तो ये 16,000 माइनस हो जाएगा, इसी को बोलते हैं प्रोराटा करना, ये 16,000 माइनस हो जाएगा और साथ में 7360 भी माइनस हो जाएगा, तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 176640, 176640। कई बार ना यहाँ तक भी क्वेश्चन आता है कि बताओ अलॉटमेंट में कितने पैसा है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कहता है कि एक 2,000 शेयर्स अलॉट हमने किए थे, उसने जो हमें जो है 2 कॉल्स के पैसे नहीं दिए, 2 कॉल्स के पैसे नहीं आए, या अलॉटमेंट तो आ गई इसकी, तो अलॉटमेंट में हमें इसका काम भी नहीं करना था, और आगे जब कि इन्होंने इस चीन शेयर्स को फॉरफिट कर दिए। ठीक है, और सारे के सारे शेयर्स जो हैं श्री बियाराम जी को हमने जो है रीइशू कर दिए 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने देखना है कि फ़र्स्ट कॉल किस किस की नहीं आई, तो फर्स्ट कॉल देखें, तो पहले बनाएंगे फर्स्ट कॉल का ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए की फर्स्ट कॉल थी, फर्स्ट कॉल थी ये, फर्स्ट कॉल थी जी आपकी 2 रुपये, 2 रुपीज थे, तो 40,000 इंटू 2 कितना हो गया, 80,000। अब इस 80,000 में से एक तो 1600 शेयर्स पे नहीं आए और एक उसके 2,000 शेयर्स पे नहीं आए, मतलब टोटल 3600 शेयर्स पे हमारे पास जो है इसके पैसे नहीं आए हैं फर्स्ट कॉल के। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो कैसे आएंगे आपके 80,000 में से 7200 जो है वो कट जाएंगे। ठीक है, तो 80,000 में से 7200 कट काटेंगे, बोलो जी कितने बचे, ये बचेंगे आपके 72800, 72800 जो है बचेंगे। ठीक है, क्लियर है, फिर हम लोग फाइनल कॉल भी मंगाएंगे, क्योंकि हमने जो फॉरफीचर किया वो फाइनल कॉल के बाद किया है, तो आओ देखें जरा फाइनल कॉल, तो शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल है आपकी 3 रुपये की, तो वो हो गया 1,20,000, 40,000 इंटू 3। ठीक है, और जब रिसीव करेंगे तो वही 3600 शेयर्स पे जो नहीं आए हैं उनको माइनस कर देंगे, तो ये आ गया आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, तो 1,20,000 में से
3600 इंटू 3 लेस हो जाएगा, यानी 10800 लेस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1,09,200 हमारे पास जो है रिसीव होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब करते हैं फॉरफीचर की एंट्री। फॉरफीचर करना हमने, ठीक है, कितने शेयर को करना है, 3600 शेयर का हमने फॉरफीचर करना है। तो फॉरफीचर की एंट्री आती है शेयर कैपिटल डेबिट। अब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ था हमको, क्योंकि एक बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दिए थे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट कर देंगे। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम आपको ऐसा रिसीव हो जाए तो आप उसको राइट बैक नहीं मार सकते, लेकिन रिसीव नहीं हुआ तो उसको राइट बैक मार सकते हैं। तो टू शेयर फॉरफीचर, और जो जो नहीं आया वो हम लोग डालते रहेंगे। टू शेयर अलॉटमेंट नहीं आई थी जी, टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं आई थी जी, टू शेयर फाइनल कॉल नहीं आई थी। अब देखो कितने शेयर हैं, टोटल शेयर है आपके 3600। 3600 पे हमने जो है 10 के 10 रुपए मंगा लिए थे, तो कितने हो गए, 36,000। चलो जी, तो 3600 पे 10 रुपए के हिसाब से 36,000 रुपये। ठीक है, अब जो हमें जो वो नहीं मिला था ना, क्या बोलते सिक्योर प्रीमियम, हमें 1600 शेयर्स पे नहीं मिला था, तो 1600 इंटू 2 के हिसाब से 3200। ठीक है, और शेयर फॉरफीचर में कितना चाहिए हम लोग बैलेंसिंग डाल देंगे। हमारे अलॉटमेंट कितने रुपए की नहीं आई थी, हमने हमने जो नोट बनाया था उसमें हमने निकाला था कि अलॉटमेंट कितने की नहीं आई थी, अलॉटमेंट जो है वाली 7360 की नहीं आई। ठीक है, ये जो 7360 हमने नोट्स निकाला है, चलो इसको लिख देंगे यहाँ पे 7360। और हमारे पास जो है फर्स्ट कॉल नहीं आई थी, वही थी 3600 इंटू 2 के हिसाब से नहीं आई थी 7200, और ये 3 के हिसाब से नहीं आई थी 36 इंटू 3 के हिसाब से, तो ये कितनी थी 10,800। ठीक है, अब देखो शेयर फॉरफीचर में हमारे कितने पैसे आए हैं वो हमने देखने हैं। तो एक बंदे ने हमें अलॉटमेंट तक दिए थे, उसने हमें कितने दिए थे, उसने हमें दिए थे 3840 प्लस। दूसरे ने हमें जो है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी, ठीक है, कितने कितने शेयर पे, 2000 रुपये, तो यानी बाकी आ गए कितने हो गए वो 10,000, तो ये आ गया आपका 13,840। अब इसको आप ना बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हो, अगर आप इसको करो ना तो बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा, आप इनका टोटल करके और इसमें से घटा दो तो अभी तो भी आपके ऐसा जाएगा, नहीं तो अगर आपको ये समझ में आया तो ऐसे भी कर लेंगे। क्योंकि जो पहला था मिस्टर वाई, मिस्टर वाई ने हमें जो है 3840 एप्लीकेशन पर दिए थे खाली, उसके तो कुछ दिया नहीं, और दूसरा बंदा जो है उसने हमें जो है अलॉटमेंट तक दिए हैं, यानी प्रीमियम आ रखा है, उसका प्रीमियम तो हमने राइट बैक नहीं मारा, तो इसमें प्रीमियम आएगा ही नहीं। ठीक है, चलो अब री इशू करते हैं। री इशू करेंगे तो एंट्री आएगी आपके बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन। अब कितने शेयर हमने, 36 थे और 10 रुपीज़ के हिसाब से कितना फुल्ली पेड अप है ना, तो ये आएगा 36,000। लेकिन हमें हमें मिले कितने मिले, हमें 3600 इंटू 8 के हिसाब से हमें पैसे मिले, हमें पूरा अमाउंट नहीं मिला, तो अमाउंट कितना है 28,800। ठीक है, तो यानी लॉस कितना हो गया, जो भी लॉस हो गया वो हम लोग शेयर फॉरफीचर में डाल देते हैं, तो लॉस कितना हो गया, जो भी बैलेंस नहीं फिगर है वो लॉस आ जाएगा, कितना हो गया 7200 आपका लॉस आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं आंसर की, आंसर कैसे करना है आपने, इस वाले शेयर फॉरफीचर में से इस वाले शेयर फॉरफीचर को घटाना है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसका हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, यानी कि जो हमें जो प्रॉफिट हुआ शेयर को फॉरफीचर करने में या फिर शेयर को कैंसिल करने में जो प्रॉफिट हुआ उसको उठा के हम लोग जो है कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। ठीक है, तो कितना हुआ है, ये हुआ आपका 13840 माइनस 7200, दैट इज 6840। ठीक है, तो क्लियर हो गया क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया। इस वाले क्वेश्चन में हमने ये भी सीखा कि अगर जो किसी ने जो है हमें अलॉटमेंट नहीं दी उसको हमने एडजस्ट कर रखा है तो उसका नोट भी हमने जो है बनाना सीखा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है कैटेगरी वाइज जो क्वेश्चन आता है, जिसमें हम लोग कैटेगरी बना देते हैं कि इसको इतनी एप्लीकेशन इतने दिए ए बी सी करके जो बना देते हैं, उस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अच्छा लगे तो शेयर वगैरह कर देना, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय बच्चों।